नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। आपके साथ मैं हूं शुभम राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अब आप एबी स्टार न्यूज़ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अब आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर एबी स्टार न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एबी स्टार न्यूज़ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप हर खबरों से अपडेट रहें। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां विधायक राजकुमार ठकुराल ने हाईवे पर हो रहे अधूरे निर्माण कार्यों के खिलाफ टोल प्लाजा को बंद करवा दिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नेशनल हाईवे 74 के अधूरे निर्माण कार्यों के खिलाफ बीजेपी विधायक राजकुमार ठकुराल ने टोल प्लाजा बंद करने की चेतावनी दी थी, जिसके चलते दबंग विधायक राजकुमार ठकुराल ने अपने हजारों समर्थकों के साथ किच्छा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर हमला बोलते हुए गाड़ियों से होने वाली टोल वसूली को बंद कर दिया है। विधायक ठकुराल ने जनहित में इस आंदोलन को किया, जिसमें जनता के विधायक ने टोल पर वसूली को बंद कर दिया और टोल फ्री करा दिया है। वहीं विधायक ठकुराल को NHAI के अधिकारियों और निर्माणाधीन कंपनी गल्फार के मैनेजमेंट के अधिकारी ने भी विधायक ठकुराल को यह आश्वासन दिया है कि जब तक नेशनल हाईवे 74 का अधूरा पड़ा निर्माण कार्य काम शुरू नहीं हो जाता, तब तक टोल प्लाजा पर गाड़ियों से वसूली नहीं की जाएगी। अभी तो हमने टोल खुलवाए, अभी तो सिर्फ पोल खुलवाए, और अगली बार ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये बॉक्स आपको नजर नहीं आएंगे। अगली बार आपको बॉक्स नजर नहीं आएंगे। मेरे अंदर भी दिल है, मेरे को एक ही मतलब है, मेरी सड़कें बने, मुझे राजनीति नहीं करनी, और हूं विधायक, और जब तक विधायक हूं मैं पब्लिक के लिए मरता रहूंगा। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां दहेज लोभियों ने दहेज न मिलने की स्थिति में विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पर दहेज के लोभियों ने दहेज ना देने के चलते विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि गायत्री को मारने का आरोप उसके पति, सास और ससुर पर है, जिन्होंने तीसरी मंजिल से फेंककर विवाहिता को मार डाला। आपको बता दें कि आरोपी दहेज में कार और रुपयों की डिमांड करते थे, मांग पूरी ना होने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तीसरी मंजिल से फेंकने की वजह से गायत्री गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेटी के साथ ये दहेज का एक्ट चल रहा था कई साल से जी, और मुकदमा भी चल रहा था, लेकिन इन्होंने कंप्रोमाइज करवा दिया। वहाँ महिला थाने ने वहाँ से ले आए, उसी दिन से मतलब मारना पीटना, दहेज मांगना, चार पहिया गाड़ी मांगना। मामला ये तो हमारे पास रुक कर गया था सर्वोदय हॉस्पिटल से जी, तो कल हमने FIR दर्ज कर दी थी उस बारे में, और उस लड़की के पिता ने जो अपने बयान लिखवाए उसके हिसाब से FIR दर्ज। क्या बयान दिया लड़की के पिता? लड़की के पिता ने बयान दिए हैं। पंजाब के मनसा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी ने ज्यादा पैसा देने के चक्कर में कुछ लोगों से 600 करोड़ रुपए ठग लिए। ताज़ा मामला पंजाब के मनसा का है, जहां की एक निजी कंपनी ने 7 महीने में 1.5 गुना राशि अधिक देने का झांसा देकर लोगों का 600 करोड़ रुपए हड़प कर फरार हो गई है, जिसमें मानसा के जिले के 150 करीब लोगों को रातों रात अमीर बनाने का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए गए। आरोपी व्यक्ति फिरोजपुर जिले का बताया जा रहा है, जो कंपनी को ताला लगाकर फरार हो गया। यह भारत के अलग अलग राज्यों में भी लोगों को इस तरह से झांसे में लिया गया था। फिलहाल मानसा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जिमें साहब ने दस है कि मेरा ब्रदर है, आर्मी के है, वह असाम राइफल के असाम के बहुत जोरों शोर से चल रही थी कंपनी, असाम, नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान के चल रही थी बहुत ज़्यादा। पंजाब के नहीं, मैं सुनया उस तो पहले जो अगस्त के मैं ये बारे पता लगे तो मेरे ब्रदर ने पैसे 10,000 इनवैसट किया। कल इन्होंने पेश होकर के दरखास्त सू दी सी, मैं इनकुआरी जीओ के कोलों करवा करके जो भी बनती कार्रवाई करूँगा। कल मेरी नोटिस आई हैगी, आप इन्वेस्टिगेशन कर लेने, बिकॉज बिटकॉइन जो है वो इंडिया इलीगल है ना। तो वहीं अगली खबर राजस्थान के बूंदी से है, जहां कांग्रेस सेवा दल के पर्यवेक्षक मांगीलाल खंडेलवाल अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उनसे चर्चाएं करेंगे। बूंदी में 3 दिवसीय दौरे पर सेवा दल के जिला पर्यवेक्षक मांगीलाल खंडेलवाल शहर में रिक्त चल रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए मांगीलाल खंडेलवाल ने बताया कि कांग्रेस में रिक्त चल रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए मंथन जारी है। पर्यवेक्षक मांगीलाल खंडेलवाल का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार उनका 3 दिवसीय बूंदी दौरा है, जिसमें उन्हें जिलाध्यक्ष के लिए 3 नामों का चयन करके आलाकमान को पहुँचाना है। 3 नाम लेके जाने की अनुमति मिली है, तो प्रत्येक जिले से आप 3 नाम लेके आए, जिससे हम तीनों में कंपेरिजन करके जो अच्छा लगेगा, जो पार्टी की रीति नीति समझ के काम करे, उसको हम जिलाध्यक्ष नियुक्त करें।
पंजाब के कोटकपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दो नशा तस्करों को तस्करी करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मामला पंजाब के कोटकपुरा का है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर की पुलिस के ASI हकम सिंह ने ढिलवा बाईपास पर नाकेबंदी के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तो भटिंडा की तरफ से आ रहे एक प्याज से भरे कैंटर को रोका। पूछताछ के बाद पुलिस को थोड़ा शक हुआ कि कैंटर में कुछ जरूर है, लेकिन इसके चलते कैंटर की तलाशी ली गई तो प्याज के नीचे 4 बोरी चूरा पोस्ट के डोडे बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर NDPC के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। किसी मजिस्ट्रेट साहब या गजटेड अफसर सामने करवा सकते हो, जिन्होंने कहा भी असी किसी वड्डे अफसर गजटेड अफसर सामने यानी करवानी चाहते हैं, तो जिस ते मैं साढ़े फरीदकोट जोड़े है श्री सतपाल सिंह DSP नारकोटिक्स फरीदकोट में जोड़ा मौके पर बुलाने लिए बेनती की, जो मौके पर करीब आ गए करीब अद्धे घंटे के उन्होंने आके इन्हों सरसरी पूछगिछ तो बाद इन्हों की जी जाबता अनुसार कार्रवाई करद हो जी कैंटर की तलाशी। अगली खबर पंजाब के मनसा से है, जहां पानी बचाने के मामले में पंजाब देश का पहला राज्य है तो वहीं मनसा दूसरा जिला है। पंजाब में एक और वैज्ञानिक पानी की किल्लत को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मनसा जिले के कई गांव अपने घर में सोक पिट लगाकर सीवरेज की समस्या से छुटकारा पा रहे हैं। इसकी मदद से पानी को बचाने में अपना अहम योगदान दिया जा रहा है। मनरेगा के सहयोग से लगाए गए सोक पिट में पानी बचाने के मामले में मनसा जिला पंजाब का पहला और देश का दूसरा जिला है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से मनसा के गाँव को सम्मानित भी किया गया है। घर का पानी जिवें आम डुलन वाला पानी है, चाहे नहाँ वाला पानी हो, चाहे कपड़े धोने वाला हो गया, ज आम किचन डुलन वाला पानी हो गया, जो आम बाहर जाके नाली नाली अपना मेन सड़क उपर खड़ जाता है, जोड़ा है बचाने वास्ते रिचार्ज करने वास्ते सोक पिट लगाया जाता है। और तकरीबन 10 फुट डूंगा होंगे, 4 फुट जी चढ़ाई तो लंबाई होंगी है, ये रूड़े पाए जाते हैं, एक कॉन्क्रीट का टैंक जोड़ा है धरया जाता है, एक प्री सिल्ट टैंक बहुत कम करते हैं। साडा रसोई का पानी सारा, मतलब कोई पानी बाहर जाने की लड़ नहीं हैगी, अपने घर इतने लग्या होया गा। ये देखो नाली आ सामने वे कि नाली नहीं, सारा आके पानी ये पैंता गा, नाली के मच्छर मक्खी सब वो फायदा जी, कुछ नहीं आता पानी तो हैगा, ये अंदर ही इतने पानी धरती थली रिचार्ज हो जाता, तो यह मतलब यह नहीं है भी पानी बर्बाद होंगे गा, पानी सामभ संभाल पानी की थली जाता गा। तो वहीं है दिल दहला देने वाली खबर हरियाणा के टोहाना से है, जहां 2 अलग अलग जगह हुए रेल हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। ताज़ा मामला हरियाणा के टोहाना का है, जहां 2 अलग अलग रेल हादसे में रेलवे कर्मी सहित 2 लोगों की मौत हो गई। इंदिरा कॉलोनी के 35 वर्षीय सोनू की रेलवे लाइन पार करते समय अज्ञात रेलगाड़ी के नीचे आकर मौत हो गई। इस संदर्भ में जाखल रेलवे चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जबकि दूसरे रेल हादसे में गांव बालियावाला के पास एक 52 वर्षीय व्यक्ति सेवा सिंह दिमागी परेशानी के चलते सुबह बलियाला हेड की तरफ गया था। कुछ देर बाद किसी ने वहां रेल लाइन के पास उसका शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना गांव में उसके परिजनों को मिलने पर उन्होंने उसकी शिनाख्त की। बताया जाता है कि सेवा सिंह अज्ञात मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। जाँच अधिकारी SI जगदीश ने परिजनों के बयान दर्ज कर 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया है। एक रात को मामला मुझे 11:30 बजे पता चला था कि रेलवे लाइन अप लाइन पर टोहाना और हिम्मतपुरा के बीच में एक डेड बॉडी पड़ी है, जो मौका पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि ये रेलवे मुलाजिम है और शहर में सामान वगैरह लेने के लिए गया, तो जो रेलवे कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी में जाते हुए रेलवे लाइन पार करते किसी मालगाड़ी की चपेट में आ गया, और इसका नाम सोनू सनोफ जगत सिंह जाति नायक RO इंदिरा कॉलोनी थाना शहर टोहाना जिला फतेहाबाद के रूप में शनाख्त हुई है। तो वहीं अगली खबर राजस्थान के रतनगढ़ से है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सौतेले पिता ने अपनी बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया। एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने की घटना सामने आई है। राजस्थान के रतनगढ़ में सौतेले पिता ने अपने 5 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर दर्ज मामले में GRP पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। GRP प्रभारी चैनाराम चौधरी ने बताया कि आरोपी रोजी रोटी के लिए अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सिरसा रहता है। 11 मई को आरोपी ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री को सिरसा से लेकर चूरू आ गया तथा ट्रेन में इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया।
जब नाबालिग ने अपनी आपबीती माँ को बताई तो उसने सिरसा के सिटी पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया। सिरसा पुलिस द्वारा FIR को रतनगढ़ GRP पुलिस थाना में ट्रांसफर कर दिया गया। एक माह बाद मिली FIR पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर बिना नंबर FIR सिरसा से आई थी और हमने मुकदमा दर्ज करके और मुलजिम को आज लक्ष्मणगढ़ से गिरफ्तार किया है। इसे करता रहने वाला है मुलजिम और पाला का बास राजपुरा गांव में सिक्र के पास वहाँ का रहने वाला है, उस बात गिरफ्तार किया है। मुआयना कराए के और जेल जेल से करा देंगे, मजिस्ट्रेट साहब को पेश करेंगे, वहाँ से जेल से करवा देंगे। अगली खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रवीण चौधरी अब चुनावी रण में कूद चुके हैं। अब वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि जनवरी 2018 में प्रवीण चौधरी ज्योतिसर से चुनाव शंखनाद कर चुके हैं। इसके बाद से प्रवीण चौधरी लगातार लोगों से संपर्क में हैं और कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। चुनावी माहौल बनाने को प्रवीण चौधरी घोषणा पत्र भी तैयार कर चुके हैं। इसके लिए हर घर में जाकर वे लिखित में सुझाव जनता से मांगेंगे। प्रवीण चौधरी ने शनिवार को ब्रह्म सरोवर स्थित निजी होटल में मीडिया से बातचीत में कहा कि थानेसर की जनता से सीधे तौर पर जुड़कर उनकी समस्याओं के बारे में जानने और उनकी बातों को घोषणा पत्र में डालने का यह पहला प्रयास है। उन्होंने कहा कि जनता से सुझाव लेने के पीछे उनकी एक ही सोच है कि पूरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। थानेसर हलके के विकास के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और कम पैसे में ज़्यादा काम करना किस तरीके से हो सकता है, उसके लिए हम लोगों ने प्रभारियों की सभी साथियों की मीटिंग ली थी। पूरे हलके के प्रभारी इकट्ठे हुए थे, उसके अंदर निर्णय लिया गया जो हम लोगों ने जनरल मीटिंग के अंदर भी लिया गया था कि हम जो चुनाव लड़ेंगे वो एक घोषणा पत्र के ऊपर लड़ेंगे, क्योंकि हर पार्टी कोई ना कोई अपना घोषणा पत्र निकालती है, एजेंडा देती है। बात हरियाणा के कैथल की करेंगे, जहां CLG के माध्यम से अब आपसी लेनदेन के मामले निपटाए जाएंगे। यह बात पुलिस कप्तान वसीम अकरम ने कही है। समाज को सही ढंग से चलाने के लिए समाज सेवियों का सहयोग अति आवश्यक समझा जाता है। कोई भी घटना समाज के बीच ही घटित होती है, उसका निपटारा भी समाज के लोगों के द्वारा ही होना चाहिए। ये शब्द जिला पुलिस कप्तान वसीम अकरम ने चीका थाना में आयोजित कम्युनिटी लिसनिंग ग्रुप के विषय पर आयोजित एक बैठक के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि समाज से जुड़े कुछ पंचायती लोगों की चीका थाना में एक कमेटी गठित की जा रही है। ये कमेटी लेनदेन के मामले, माता पिता के साथ लड़ाई झगड़े के मामले, घरेलू कलह जैसे मामले निपटाने के लिए गठित की गई है। उन्होंने कहा कि पहले लोग आपस में मिलकर कोई मामला निपटा लेते थे, अब स्थिति बदल गई है। जो थी आपके अंदर जो पंचायती तौर पर जो काम निपटने चाहिए वो थाने में नहीं आने चाहिए। गाँव की पंचायत को वो वही बैठ के या पंजी गाँव के हल्के के बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए गाँव में निपटाए ताकि कोर्ट में चक्कर ना कटे। ठीक है, तो आज एक कमरे का भी वो शिलान्यास किया गया है, क्या कहेंगे इसका इनॉग्रेशन किया गया? दूसरा कमरा है जी, ऊपर जो एक ग्रुप भी बनाया ये मतलब जो कमेटी बनाएगी 10-20 आदमी की, वो बैठ कर और बीच में दो सरकारी मुलाजिम होंगे बैठ के, मतलब उसके बारे में जो सुप्रिंटेंडेंट उनके बारे में फैसला किया जाएगा, पंचायत की जाएगी, उसके लिए कमरा चुना। पिछले करीब 5-6 महीने में जो नशा विरोधी नशे के रोकने के लिए पुलिस की तरफ से और जनता के सहयोग से जो एक कार्यक्रम चला था उसके काफ़ी सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। नशे की समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। इसमें जो सब इंस्पेक्टर बलवान थे, नार्कोटिक सेल को हेड कर रहे थे, उनका अहम योगदान था और इस आप इसके परिणाम और इसका असर ग्राउंड में देख भी रहे होंगे। इनकी ईमानदारी को देखते हुए, इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए जो हमारे IG साहब हैं उन्होंने अपने पास अब काम रखने के लिए बुलाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABSTAR न्यूज़।